ट्राई करते हैं भाई साहब। हम लोग आ चुके हैं पोवेस्टो की केव के सामने और हमारे पास यहाँ पर ड्रोन भी है जिसको ढूंढने में भाई साहब बहुत टाइम लगा था। तो इस ड्रोन को हमने इस केव में देकर मारा। पहले ट्राई में कुछ भी नहीं हुआ। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं एंड इस बार देखते हैं क्या होता है। एंड बूम। हो भाई साहब, तो कुल मिलाकर मिथ इज कन्फर्म कि पोवेस्टो की केव को आप ड्रोन से भी ओपन कर सकते हो। रिवाइव देते टाइम कोई स्टन ग्रेनेड कर दे तो रिवाइव कैंसिल हो जाता है। बात तो सही है क्योंकि स्टन ग्रेनेड करने पर जो है हमारा करेक्टर वो हाथ को ऊपर कर लेता है और रिवाइव करने के लिए हाथ लगा हुआ होना चाहिए, आप लोगों को पता ही है पीछे। वेल देखते हैं यहाँ पर मैंने अपने टीममेट को नॉक किया। ओके अब मैं इसको रिवाइव दूंगा और उधर से मेरा दूसरा टीममेट स्टन ग्रेनेड करेगा। उसने किया तो स्टन ग्रेनेड उसने किया, हाथ भी ऊपर हुआ लेकिन रिवाइव कैंसिल नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मिथ इज बस्टेड कि भाई रिवाइव कैंसिल नहीं होता है। अगर हम बाइक को लेकर किसी हाई रिस्क से जंप कराते हैं और उसके बाद अगर उससे कूद जाएं और पंच करने लगें तो कूदने पर हमारी हेल्थ नहीं जाएगी। वेल इसके लिए सबसे पहले कोई एक ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां से हम ऊंचाई पर ले जा सकें अपनी बाइक को। तो मेरे हिसाब से ये जगह एकदम परफेक्ट है। तो हम लोग यहाँ से उछलेंगे। नाइस, हम लोग हवा में आए। ओके हम लगातार पंच करेंगे और एक बार जब नीचे गिरेंगे तब भी पंच करेंगे। भाई हेल्थ चली गई, पंच करने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मिथ इज बस्टेड कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप पेलोड मोड में प्री मॉक से आगे पानी में जाओगे तो हवा में एक फ्लोटिंग हेलीपैड दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस मिथ को रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगा है। हेलीकॉप्टर लेने गया तो एनिमी ने फोड़ दिया, कभी आरपीजी से टारगेट कर दिया। तो कुल मिलाकर बात ये है कि इस मिथ के लिए एक लाइक तो बनना चाहिए एंड भाई अगर चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिलहाल देखिए हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोगों को सही में यार एक फ्लोटिंग हेलीपैड दिखाई दे चुका है प्रीमॉक्स के आगे। तो कुल मिलाकर मिथ इज कन्फर्म। अगर हम किसी भी वस्तु, ऑब्जेक्ट या डोर या स्मॉल वॉल या किसी भी चीज के पीछे खड़े होते हैं और सामने से ग्रेनेड फेंका जाए तो हमें डैमेज नहीं मिलेगा। वैसे लॉजिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डैमेज मिलना चाहिए। फिलहाल देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं पेड़ के पीछे आ गया हूँ और मेरा टीममेट एक ग्रेनेड कर रहा है, उसने किया एंड बूम, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर मिथ इज कन्फर्म कि अगर आप किसी चीज के पीछे खड़े हो तो आपको ग्रेनेड का डैमेज नहीं मिलेगा। आर्कटिक मोड में हम वुड डोर को गैस कैन से तोड़ सकते हो। क्या बात कर रहे हो, अब मैं इतना शॉक्ड इसलिए हूँ क्योंकि कल हमने क्लासिक मोड में यही चीज ट्राई की थी तो वहां पर गैस कैन से गेट नहीं टूटा था लकड़ी का, बल्कि हमें उल्टा जो है हमारी एचपी कम हो गई थी। वेल आर्कटिक मोड जो है थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे सभी मोडेड में, उसमें कुछ नई नई चीजें हमें देखने को मिलती हैं, तो हो सकता है यहाँ पर ये चीज काम कर जाए। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक गेट है लकड़ी का, हमने यहाँ पर एक गैस कैन को ड्रॉप कर दिया है और हमारे पास एक महान यूजी जो कि क्लोज रेंज में। भाई साहब, ओ भाई साहब, गेट टूट गया है। कुल मिलाकर मिथ इज कन्फर्म कि आर्कटिक मोड में गैस कैन से गेट को तोड़ा जा सकता है। मिथ, पबजी में हर कार की प्लेट नंबर सेम होती है, UAC4288 एक्सेट्रा। क्या बात कर रहे हो, ये सही में कुछ यूनिक मिथ है। और तुम्हें सही बता रहा हूँ, आज की मिथ जो है आपने बहुत सारी यहाँ पर नहीं देखी होंगी, जो कहीं नहीं देखी होंगी। फिलहाल देखते हैं इस गाड़ी का नंबर C4288, जैसा कि उस भाई ने बताया था। वेल, इसके बाद मैंने टैनिंग मोड भी चेक किया था तो भाई साहब पहली बात तो यूएस पर ही नंबर प्लेट होती है और वो भी सेम ही नंबर होता है, ये देखिए। तो मेरे भाई कुल मिलाकर मिथ इज कन्फर्म। अगर आप किसी व्हीकल को माउंटेन पर फास्ट नहीं चला पा रहे हो तो आपको क्या करना है, बस ड्राइव करना है लेकिन रिवर्स में ड्राइव करना है। वेल ये मिथ काफी सुनी सुनी सी है लेकिन एक बार देखा कि हम लोग भी इसे ट्राई करके देखते हैं। तो ये सीधे हम लोग अगर इसे चढ़ा रहे हैं तो भाई साहब गाड़ी ने यहाँ पर दम तोड़ दिया है, मतलब चढ़ तो रही है लेकिन बहुत स्लो चढ़ रही है, टाइम लगा रही है। वेल हम लोग अब रिवर्स में आते हैं तो रिवर्स में हमारी स्पीड एकदम बराबर बनी हुई है, कम भी नहीं हो रही है, ज्यादा हो रही है एक आध लेकिन उतनी नहीं। तो कुल मिलाकर मिथ इज कन्फर्म क्योंकि हम लोग भाई साहब पहाड़ी पर आ चुके हैं। वेल ये मिथ बहुत लंबी है, मैं इसे पढ़ देता हूँ आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर हम अपनी गाड़ी जो ड्राइव कर रहे हैं उसे छोड़ देते हैं तो हमारे मैप में एक मार्क लग जाता है जो कि बताता है कि हमारा एक तरह से व्हीकल मार्क। उसके बाद में अगर उसे कोई एनिमी लेता है तो इन्होंने ये मिथ बताई है, तो हम एनिमी को ट्रैक कर सकते हैं अपने व्हीकल के जरिए। सुनने में सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और अगर ऐसा होता है तो सही में ये एक कमाल की मिथ होगी।
तो चलिए सबसे पहले हम इस व्हीकल को थोड़ा चला देते हैं, क्योंकि जब हम इसे रोकें तो हमारा व्हीकल मार्क हमारे मैप पर ऑटोमेटिकली लग जाए। ओके, हमने इसको ड्राइव कर लिया है। अब पास में हमारे एक एनिमी खड़ा है। अब क्योंकि ये वीडियो कस्टम रूम में बनाई गई है, इसलिए एनिमी को ढूंढना कोई ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर थी नहीं। ओके, एनिमी को गाड़ी देने के बाद हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं। एंड बूम, व्हीकल का मार्क हट चुका है, क्योंकि जो गाड़ी है अब वो एनिमी के हाथ लग चुकी है। और एक बार देखते हैं तो हमारी गाड़ी को एनिमी यहाँ से लेकर 9-2-11 हो गया। तो कुल मिलाकर मिथ इज बस्टेड कि भाई ऐसा नहीं होता है। मिथ बंदूकबाज भाई को सब्सक्राइब करो और इंस्टा पे फॉलो करो, तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो भाई साहब देखो, ये वाली मिथ आप ही कंफर्म कर सकते हो, बंदे को बस्टेड तो करना नहीं है ऐसे। कोई भी नया तो हिट दैट सब्सक्राइब बटन, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर भी भाई साहब बहुत कमाल कमाल की चीज़ें आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, यूसी विनर्स की बात अभी करेंगे, बस थोड़ा सा होल्ड। और हाँ, एक चीज़ और, वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगी हैं तो मेरे भाई शेयर कर दिया करो, पूछा मत करो कि शेयर करना है कि नहीं। ओके, बात कर लेते हैं हमारे आज के यूसी विनर्स के बारे में। तो पहले यूसी विनर, उनका नाम है अयान अंसारी। एंड इसके बाद आगे चलते हैं तो हमारे दूसरे यूसी विनर हैं, तो इनका नाम है पंजाब लॉर या कुछ एक्सेट्रा। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम। अब जिन लोगों को यूसी विनर में पार्टिसिपेट करना है तो क्या करना है, सबसे पहले बात, वीडियो कैसी लगी मुझे सही में कॉमेंट करके जरूर बताना। अब जो भी कॉमेंट करो, चाहे मिथ कॉमेंट करो या कुछ शिकायत है वो कॉमेंट करो, कुछ प्रशंसा करनी है तो वो कमेंट करो, बस उसमें अपनी प्लेयर आईडी, करेक्टर आईडी, नंबर और नाम सब डाल देना। नंबर वाली ज़रूर डालना, वरना यूसी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उसके बिना यूसी नहीं डल पाती है मेरे भाई। अब सबसे बड़ी बात कि मिथ भाई सब थोड़ी सी यूनिक ही दिया करो, हर बार कोशिश करो कुछ नया देने की। और हाँ, जल्दी ही मिथ के अलावा भी बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे। अब क्योंकि डिसाइड कर लिया यार, कुछ इंटरेस्टिंग सा करते हैं।